तो आप लोग आ गए, तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या अपग्रेड किया है। और हालांकि आप लोगों ने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और मुझे पता नहीं आप लोगों ने नज़र दिया या नहीं, लेकिन मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो मैंने शूट किया था मेरे नए कैमरे से। तो भैया बात ऐसा है कि अभी हम वेट कर रहे हैं अपने पापा के लिए, और जब वो पहुँच जाएंगे तब उसके बाद हम लोग शॉप जाएंगे। और ये जो आदमी आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम है अजय, पहले भी देखा होगा शायद मेरे ब्लॉग्स में। और भाई का भी आज लैपटॉप नया आया है, अनबॉक्सिंग करना भूल गया मैं। ये भाई मेरे को ओपन करने के बाद बोलता है कि अनबॉक्सिंग किया जाए। तो एनीवेज अभी पापा का वेट करते हैं और उसके बाद दुकान चलते हैं और खरीदते हैं अपना नया A7 III। सोनी का सालों का ड्रीम था। Finally, 4 साल की मेहनत नहीं पापा का दिया ना। थैंक यू। ओके लेंस लगा के तो अभी मैं जाने वाला हूँ बाहर और इसका क्वालिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन 3, 2, 1 लेट्स गो। तो घर से 20 किलोमीटर दूर आके शूट करना पड़ रहा है और शुभ्रजीत मेरा हेल्प कर रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसका क्वालिटी कैसा है, तो आने वाले व्लॉग्स भी इसी से शूट होगा। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भैया ये बात था कुछ 5 साल पहले की, जब मैंने अपना पहला निकॉन लिया था और इस कैमरे से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे। ऑल्दो ये कैमरा मेरे दिल के बहुत करीब है और इसको मैं कभी सेल नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इससे ही मैंने पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। ऑल्दो ये एक वीडियो कैम नहीं है, बट फिर भी मैंने इससे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए और इसी से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। एंड मैंने कई सारे वेडिंग फिल्म्स किए, एंड जो वेडिंग्स मैंने किए, जो कमर्शियल वर्क्स मैंने किए एज ए फिल्म मेकर, एज ए फ्रीलांसर, जो मैंने इसके साथ वर्क्स किए और उसी के साथ मैं क्रिएटिव लैब में जॉब कर पाया। तो ये कैमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल था। इसमें 4K नहीं था, इसमें बस HD 1080 60 फ्रेम्स तक था, बट फिर भी ये मेरे लिए बहुत प्यारा था। इससे बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा फ़ोटोज़ आता है इससे। मैं इसको कभी सेल नहीं करने वाला हूँ, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। सो अभी बात करते हैं, इसको साइड में रख दिया थोड़ा, अभी बात करते हैं कि मेरे नए कैमरा के बारे में। तो अभी जो मैंने कैमरा लिया है वो है एक फुल फ्रेम कैमरा, उसका नाम है A7 III। और जो लेंस मैंने इसके साथ लिया है, हालांकि मैंने लेंस अभी तक बाय नहीं किया है, मेरे जो गुरुजी हैं, जो ताओ तक सर है, उन्होंने मुझे अभी लेंस यूज़ करने के लिए दिया है। जब तक कि मैं थोड़ा बहुत मेहनत करके कमा नहीं लेता तब तक सर ने मुझे थोड़ा हेल्प किया है। ये क्वालिटी आता है A7 III का विथ S-Log 2। अगर आपको पता नहीं कि कलर
ग्रेडिंग कैसे करते हैं या क्या नहीं, तो वो भी मैं शायद आपको फ्यूचर में सिखा सकता हूँ, कलर ग्रेडिंग के बारे में, सिनेमेटिक्स के बारे में, सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो उसके बारे में मैं जितना भी जानता हूँ आपसे शेयर कर पाऊँगा। और आपको अगर लगता है कि मेरे ट्यूटोरियल से आपको मदद होगा तो इस वीडियो में कॉमेंट कीजिए कि मैं ट्यूटोरियल्स डालूँ या ना डालूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ट्यूटोरियल्स लाऊँ ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स या फिर जो सिनेमेटिक्स बीरोल्स है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। जब मैंने सिनेमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना शुरू किया एंड जब मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस देखे, अब से ही मेरा ड्रीम था कि मेरे पास एक A7 III हो, जो कि एफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। एंड हालांकि इस टाइम में एफोर्ड करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा, और मैंने भी फ्रीलैंसिंग करके थोड़ा बहुत अपने फैमिली को हेल्प किया है, जिस वजह से पापा ने भी ट्रस्ट किया। सो ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने इतने मुश्किल गरीब में मुझे ये कैमरा बाय करके दिया है। एंड आई होप कि मैं इससे भी फ्रीलैंसिंग करके प्रोजेक्ट्स उठा पाऊंगा यहाँ पे। आगे जो आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे वो इसी कैमरा के होंगे।